और मैं एक बात बता दूं, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मैं बैठा हूं आज हॉट सीट पे और हमारे दोस्त हैं हमारे साथ, आरजे उमर ताहिर। आज चुप करके मैं बैठना है। नहीं, नहीं मैं नहीं मुझे आज बताओ, आप हमारे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा? आज आप हमारे गेस्ट बन के आए हैं, अच्छा, तो आज मैं मैं होस्ट मेरे हूँ अपने ही आज। शो में मैं गेस्ट हूँ। जी जी ठीक है, बिल्कुल, आज मैं चुप रहना है तो मुझे। चुप रहना है आपने। ठीक जो और सुनाएं, कैसी तबीयत है, सब ठीक चल है, हाँ, रहा अल्लाह का शुक्र है? सब ठीक और इसके अलावा कोई टेंशन नहीं, मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं। लोगों को तो आपने लोग जब सुन के हैरान रह जाते हैं यार इसको बहुत टेंशन वो है टेंशन है। खैर कोई नहीं बात नहीं, हम आपको मोटिवेट ही करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस इनकी होती हैं। वो तंजी अंदाज में नहीं होता नहीं है वो और सुनाएं उमर भाई, आज भी हमेशा की तरह आप किसी टॉपिक पे बात करेंगे या फिर नहीं, हम आज रैंडमली आज कर नहीं, आज मैं किसी लें? टॉपिक पे बात नहीं, आज जो तुम्हारा दिल करता है ठीक है, वो तुम तो करो मैं कर खुश। सकता हूँ कोई भी। ऐसी आदत है एक यूथ के अंदर, बुरी आदत, वैसे तो हमारी बहुत सारी आदतें खराब हैं, लेकिन कोई एक ऐसी आदत बताएं कि जो बहुत पीक पे चले गई है और वो हर एक के अंदर है। नहीं अच्छा, मैं एक बात बता दूं, इतनी सीरियस नहीं लेके जानी, थोड़ा सा सीरियस अंदर नहीं ना। होना, हाँ पर्सनल बिल्कुल, नहीं थोड़ी सी ना आप वो स्माइल भी अंदर दिया करें। होना। आगे से आया है, सलाम लिया है किसी ने तो मैं आगे से दांत निकाल के क्या करूं, ऐसे अस्सलाम वालेकुम हाँ, ऐसे वालेकुम सलाम, ऐसे नहीं, ये करके ऐसे मेरे से नहीं चलें होता, चलें, ये कोई बहुत बात नहीं। ज्यादा जी वो हो जी जाता है। अब जी अगला तो बंदा पता नहीं क्या समझे बैठे हाँ, ये आज मैं एक होते बात हैं। बता दूं, जितनी भी हमारी YouTube पे जितनी वीडियोस हैं, मतलब ना 150 से अबव होंगी, हो उतना गई उस वीडियोस में नहीं हंसे होंगे जितना आप अब इनको हंसते हुए देख रहे हैं। मतलब आई अच्छा चैलेंज यू गाइस, आज मैं हाँ, हंसाऊंगा इनको। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑल यू हैव टू डू के एक आप एक अच्छे इंसान बनने में मुझे बताएं क्या एफर्ट लगती है इसमें। ठीक है, एक अच्छा इंसान अगर किसी ने बनना है उसमें क्या एफर्ट लगती है, कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सी साइंस है जो समझ नहीं आती हमें। दूसरों से अच्छे तरीके से बात करें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, अच्छा नॉलेज हासिल करें। अब आप बैंकिंग की जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह, तो जिस दिन छुट्टी होती है आपको, सैटरडे संडे ऑफ होता है वीकेंड आपका, ऑफ ठीक होता है, है। तो आपने घर पे आके अपने लिए मतलब इस फील्ड के लिए आधा घंटा दिया, प्रैक्टिस की है घर में नहीं, आके? वो ये तो मेरा शौक नहीं है ना। हंसना नहीं है, मैं ये सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, शौक मैं है जो भी है, मतलब हाँ इन्वेस्ट किया आधा नहीं, घंटा आके आपने घर आधे में? घंटे से ज़्यादा किया है, अच्छा वही बता रहा कैसे? हूँ कि ये तो मेरा शौक है ना, ठीक ये है। मेरा दिल करता है काम करने को, इस पर तो मैं 3-4 घंटे भी लगाता हूँ, और वो अच्छा 3-4 घंटे वीकेंड पे ज़रूर लगने होते हैं। लोगों ठीक, का अक्सर ये होता है कि जी मुझे एक्सेल नहीं आता, नहीं मुझे एमएस आता। वर्ड नहीं आता, मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं करना आता। भाई सीखो फिर उसको, सही है, उसको टाइम अगर दो नहीं आप। आता तो और आधा घंटा सिर्फ लगाना है। आप घर में कभी पंगे लिए हैं आपने फॉर्मूले लगा के, किसी और ने तो नहीं आके लगाने अच्छा आपके अच्छा मतलब पंगे तक बात ठीक थी, ये क्या है पंगे पंगे मैं थोड़ा बता टाइपिंग रहा हूँ ना कि टाइपिंग अच्छा वो अच्छा हाथों से ठीक जरा हो थोड़ा गया, चलें ज्यादा, जी, वाह ये क्या कोई काम कर रहे ये हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप कहें जी मैं बड़ा देर से घर आता हूँ, मेरे जी जी पास जी टाइम नहीं होता है। टाइम सबको उतना ही मिला है जितना आपको सही है। मिला है, बाकियों को जो कामयाब हुए हैं उनको भी इतना। अगर तो आपने कामयाब होना है तो फिर ही आपको नहीं सेक्रीफाइस करनी मैं पड़नी। आपको तो, मुझे वाकई मुझे भी कहा कई बंदों ने, ठीक अच्छा है, कि यार, और कई तो ऐसे हैं मेरे दोस्त हैं, वो शायद उन्होंने सलाम लिया आपसे तो कह रहे यार, देख के हमें ऐसे ही लग रहा था कि वो मेहर है, लेकिन जैसे देखा तो यार ऐसे करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने कोई मतलब डंडा मार दिया उनको या नहीं तो थप्पड़ मारा मैंने किसी अच्छा आप को। सही बताइए, अब जब से बैठे हैं तो ये हंस रहे हैं ना वीडियो में, एक्चुअली अकेले परेशान हो जाते हैं ये ठीक है, कुछ बातें ऐसी, इंसान जब बातें करता है ना सीरियस होके तो वो आप पे तो वो कैफियत तारी हो रही होती है, लेकिन बंदा खुद थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाता मेरी बात सुनो यार, है बात करते हुए वो सीरियस टॉपिक ही होना सीरियस चाहिए, है, बिल्कुल फिर ऐसे वो सीरियस होना पड़ता है। नहीं, ये बात तो ठीक है। बात जितनी जब हमारे अम्मी अब्बू जब तक हमें वो सीरियस होके आंखें निकाल के कुछ नहीं कहते, हमें समझ आती है प्यार प्यार से से बात डांट रहे, कर जब रहे आप हैं, प्यार से बिल्कुल। उसको कह रहे होते हैं ना तो वो नहीं हटता। ये बताएं हमें कि आप क्यों नहीं इतना हंसते, उसकी रीजन क्या है? नहीं, मैं हंसता हूँ मतलब हो मुझे नहीं सकता है लगता तुम्हें, आप काफी अभी। सारे अच्छा लोगों को, अभी भी आप खुल के नहीं हंस रहे? मैं क्या करूं मुझे बताओ ना, मुझे या तो मुझे गुदगुदी करो मैं हंसूं, कुछ इस तरह की बात अच्छा करो बहुत नहीं, अच्छा करके लतीफा देखें ठट्ठे मार के हंसूं मैं। यार ये जो होता है ना, अब अच्छा हो सकता है लोगों को कहीं कोई ये गिला हो, मैं नहीं हंसता, बाकी कई दफा होता भी है, ऐसे मुझे फील होता है, लेकिन ना वो मतलब शायद इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है बिल्कुल ऐसे ही जब है। आप इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो ना। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ,
मैं हंसता हूँ बाकी जहाँ पे मुझे मेरा दिल लगता है दिल, मैं जोक्स भी क्रैक करता हूँ। मैं अगर जुगते मारने पे आ जाऊँ तो अभी पता चल जाएगा। अच्छा जी चलें, अभी इन्होंने जुगत की बात की, ये तो साबित हो गया ये जुगते मारते हैं। अभी आपको मुझे एक जुगत मारनी होगी और वो लाजमी मारनी है, जैसी मर्जी मारनी है, ये सुननी है भाई ऑडियंस ने, मारनी पड़ेगी मुझे। बताए ना तेरा मुँह इतना कि मेरा मेरा मुँह मैनू दस आज मेरा मुँह किस तरह का आप मुझे बताएं, मैं आज जुगत सुनना चाहता हूँ बताएं आप मारे वरना मैंने तो मार देनी है। तो आज तुम्हें कुल्ली छुट्टी, जाओ मैंने ऑफर दी, जुगत मारो मुझे मारो आज जुगत तुम जुगत मारो मुझे आई एम वेटिंग फॉर दिस। पहले आपने मारनी है। नहीं, मैं फिर जवाब दूंगा ना अच्छा आपका मुंह ऐसे है जैसे ये माइक होता है माइक तो बहुत प्यार। अच्छा आपका मुंह ऐसा जैसे वो माइक पड़ा होता है, दिखाऊं वो वाला दूसरा माइक दिखाऊं। जब तो, कोई गेस्ट आता है ना वो बड़े तरीके से अगर वो आपको कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा होता है ना, कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है, आप ऐसे भाई जान मेरी बात सुने, ओ भाई सुने तो सही मेरी बात, आप सीधे मुझे जुगत मार रहे हैं। तुमने खुद ही कहा था कि मुझे जुगत मार रहे हैं तो मैंने कर दिया। चले ठीक हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको आज की डिस्कशन हमने की है आपके साथ, और मज़ा आ रहा होगा, आप भी यकीनन हंस रहे होंगे मुझे। और हमारी लाइफ में बिना उमर भाई ऐसे बहुत से लाइक लम्हात आते हैं, स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ज़िंदगी मौका दे रही होती है। हाँ हम बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं यार, आपको हर रोज़ ज़िंदगी मौका देती है, आप सुबह आँख नहीं खोलते ऐसे ही है। अगर आप रात सोएं सुबह उठे ही ना फिर देख लो, मैं माड़ी जी गल की है आँख खोलन तक आ गए यार मेरा, मैं बात वो अब एग्रेशन उसमें आ जाता है थोड़ा उस तरह से अगेन, अब इसका मैं कुछ करता कोई गल नहीं, जज्बाती हो जाते हैं, कोई बात नहीं चले। तो ऐसे ही है जनाब, जिंदगी को भी यूं ही लेना चाहिए, जहाँ पे आपको लगे कि ये जिंदगी मुझे मौका दे रही है तो अपने आप को सुधारिए। वैसे मजे की बात ये आज कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, कोशिश की है मैंने लेकिन करने नहीं दी गई, थोड़ा थोड़ा इन्होंने कर दिया है, लेकिन वो होना भी चाहिए, वो जरूरत है। जैसे जरूरत कितनी है इस चीज की, बिल्कुल कोई बंदा जो है उस तरफ नहीं आ रहा, ठीक है। फिर हम कहते हैं बच्चा मेरा ऐसे बोलता है, बच्चा मेरा ऐसे बोलता है, पता नहीं इसने ये गाली कहाँ से सीखी है, भाई घर से ही सीखी होगी, तुमने दी होगी किसी को। हाँ माहौल वैसा होगा ऑब्वियसली, बाकी घर से ही सीखते हैं सब, सब घर से सारा कुछ पता होता है घर से ही। मैं एक बात बता दूं, वैसे जब कभी भी मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट की है ना, मतलब आई स्वेयर बाय गॉड टू बी ऑनेस्ट, ये देख ले मैंने जब तक इंग्लिश बोली है तो एक दफा मैं इंग्लिश बोल रहा, मतलब इतनी अच्छी मैं इंग्लिश बोल रहा था, और ना सुन के ऐसे देख रहे हैं मुझे, मुझे कहते हो उमेर तुम तो अमेरिका पहुंच गए हो, और वो सारा इन्होंने मेरा वो एक क्या टेम्पू होता है टेम्पू स्टेमिना इट्स टेम्पो एंड स्टेमिना दोनों तरह से ठीक है, सही बात है। वही बात आ गई तो जो हमने वीडियो अपलोड की थी ना, फर्स्ट वीडियो हमारी जो थी, हमने इंट्रो किया उसमें, मतलब बताया यूट्यूब चैनल के बारे में, तो उमर भाई बता रहे थे कि हाय गाइस इट्स मी उमर ताहिर एंड यू आर वाचिंग उमर ताहिर टॉक्स, तो इन्होंने कह दिया कहीं ताहिर उमर टॉक्स इस तरह का, तो फिर आगे से एंड पे कहते हैं दोनों चो एक समझ लो से कोई एक ठीक होगा कोई एक ठीक होगा। तो इसी के साथ जनाब हम इजाज़त लेंगे आपसे, और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहा करें अपनों के साथ, खुद का भी ख्याल रखें, लेकिन उन लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें जो आपको अपना होने का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। यस ठीक है, तो आप भी कुछ कहें फिर इसके बाद। बस वही है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आमीन। एंड थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए, हमें इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए, और इसी तरह से हमें देखते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू।